हम स्मोकिंग भी छोड़ सकते हैं, हम अल्कोहल भी छोड़ सकते हैं, हम मोबाइल की आदत भी छोड़ सकते हैं। क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते हैं? जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं वो है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हालांकि लोग अब कोशिश कर रहे हैं, बहुत अमीर अमीर लोग, कि किसी तरीके से अपनी जो है एज को, जो एज की जो बढ़ने की जो गति है उसको कम कर दें, एज की जहाँ पे भी पहुँच गए उसको रिवर्स भी करने की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, जैसे ही किसी ने कुछ मेरी तरफ ऐसे करके देखा तो मैं एकदम उस पर चढ़ जाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता। तो हम बाहर के देशों में एंगर मैनेजमेंट क्लासेस और बहुत सारे जो बिहेवियरल थेरेपीज हैं हमने उसके बारे में सुना है, इन सब से फ़र्क पड़ता है। जब व्यक्ति को मालूम हो गया कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, तो कौन सी ताकत है जो उसको चेंज नहीं कर सकती, जो उसको रोकेगी कि भाई चेंज ना लेके आ जाए। सब चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं हम किसके माध्यम से करते हैं? क्रियामान कर्म से। यानी हमारे पास में ये पावर है, ये फ्रीडम है कि हम जो अब कर्म बना रहे हैं, हम बना कर जो हम कर्म का जो हमारे पे असर आ चुका है उसके रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी गुस्सेल व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसके अंदर हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब अगर कुछ बचपन से आदतें मेरी ख़राब हो गई, थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि मैं अब सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्ट हो गया हूँ, अल्कोहल का एडिक्ट हो गया हूँ, और आज की डेट में अगर हम देखें मोबाइल का एडिक्ट हो गया हूँ। अब मोबाइल के बिना हर एक 10 सेकंड, 15 सेकंड, मिनट बिना मोबाइल को बिना देखे मेरे को आराम नहीं पड़ता, अगर मोबाइल में से छीन लो तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो एडिक्शन हो गई है मोबाइल की, सिगरेट की, किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो हो गई है, हमें लगता है अब इसके बिना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है जीना। क्या वाकई में ये सच है? ये सच तो नहीं है। हम अपने क्रियामान कर्म से, यानी हम अपने एफर्ट से ये भी चेंज कर सकते हैं। हम स्मोकिंग भी छोड़ सकते हैं, हम अल्कोहल भी छोड़ सकते हैं, हम मोबाइल की आदत भी छोड़ सकते हैं। क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते हैं? जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं वो है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हालांकि लोग अब कोशिश कर रहे हैं, बहुत अमीर अमीर लोग, कि किसी तरीके से अपनी जो है एज को, जो एज की जो बढ़ने की जो गति है उसको कम कर दें, एज की जहाँ पे भी पहुँच गए उसको रिवर्स भी करने की बात कर रहे हैं। फिर हम अपने जो बॉडी में जो चेंजेस हैं और हमारे आसपास जो चेंजेस हैं, जैसे कि हमारी बॉडी साइकिल्स में चलती है और प्रकृति भी साइकिल्स में चलती है, तो अगर अभी दिन है और जैसे रात आएगी तो हम दिन को रात में चेंज करने से रोक नहीं सकते। हमने बात करी ना, यूनिवर्सल लॉज है, हमको रोक नहीं सकते। हमारी बॉडी भी यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से चलती है। हम कोशिश तो करते हैं मॉडिफाई करने की, मगर कुछ लिमिट तक ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे लिटरेचर में सनातन के कायाकल्प की बातें आती हैं। हो सकता है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हों जो कुछ गिने चुने लोग को आती हों, वो शायद कर पाएं, उनके बारे में हमें पता नहीं है। उसमें भी क्रियामान कर्म का हिस्सा आता है। बिना क्रियामान कर्म के कुछ भी चेंज लाया नहीं जा सकता। क्रियामान कर्म के माध्यम से ही हम जो हमारे कर्म हमें जो आ चुके हैं उसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। और नए कर्म जो हम बना रहे हैं, हम वो कैसे कर्म बना रहे हैं वो भी हमारे ही हाथ में है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मैं लोक के कल्याण के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ अच्छी सोसाइटी में चीज़ें डाल रहा हूँ फोर्सेस को, चाहे वो एक बॉडीली लेवल पे हो, यानी मैंने कोई दान करा, किसी ऐसी संस्था को दान करा जो छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को हेल्प करती है, कोई मैंने प्याऊ खोले, कोई मैंने धर्मशालाएं खोली, कोई मैंने मंदिर बना, कुछ भी, कोई स्कूल बनाया, कोई पार्क बनाया, कुछ भी मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं जो फिज़िकल लेवल पे बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, उनको सहायता देती हैं, तो ये मैंने एक अच्छा कर्म करा, इसका फल भी ऐसे ही जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा।